बनाओ। तो मैंने आपको वीडियो बनाया है, अभी मैं इसका थोड़ा सा आपको चला के भी बताता हूँ भी ये ट्रैक्टर कैसा है, चलने में कैसा है, कौन कौन से गियर कैसे कैसे इसके काम करते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ। लो जी, तो अपन करते हैं स्टार्ट। लो जी, मैं आपको आरपीएम बता देता हूँ। 2100 रेटेड आरपीएम इंजन है ये मैंने फुल रेस करी है। 2100 से थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है, 2200 पे जा रहा है। तो 2100-2200 रेटेड आरपीएम जो है इसका इंजन है। उसके बाद पावर स्टीयरिंग, वो आप सबको पता है कि जॉन डियर हर ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ ही देता है। और चलो चलाते हैं अपन, पहले ए गियर लगाते हैं इसका, ए गियर, और यहाँ से यहाँ पे वन है ना, तो आगे गया। अभी अपन रिवर्स करते हैं। तो ये जी स्पीड इस ट्रैक्टर की, अगर आप मान लो खेती बाड़ी कर रहे हो, आप 1600 की आरपीएम पे ट्रैक्टर चलाओगे, तो मैं आपको स्पीड बता देता हूँ कि कौन से गियर में ये अच्छा चलेगा। मैंने जैसे बात करी थी C2 की, तो अपन C2 गियर लगा के देखते हैं। यहाँ पे अपन ने गियर लगाया C और यहाँ पे लगाया 2 नंबर, तो 1600 आरपीएम के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट स्पीड है जी इस ट्रैक्टर की। इस स्पीड के अंदर ये कल्टीवेटर चलाएगा, इसी स्पीड के अंदर ये बाकी के इम्प्लीमेंट जो भी है ये ट्रैक्टर अच्छे से चलाएगा। बहुत ही परफेक्ट स्पीड है C2 गियर के अंदर। उसके बाद अगर मैं C1 की बात करूं, तो C1 अगर मैं लगाता हूं, तो इस गियर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सा फ़र्क है। क्योंकि कई बार MB प्लो जब आप चलाते हो तो उसमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, स्पीड कम चाहिए होती है, तो ये MB प्लो आपके जो अच्छे से C1 के अंदर चलाएगा। उसके बाद मैं अगर गियर इसका और लगा के देखूं, जैसे D है, तो D1 के अंदर इसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा है, बहुत। आप इसके अंदर सुहागा जो होता है वो चला सकते हो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इम्प्लीमेंट ये और खींचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है। पर पंजाब जैसी या हल्की ज़मीन, जैसी ये हल्की ज़मीन है, तो इस ज़मीन के अंदर ये ट्रैक्टर कल्टीवेटर आराम से चला लेगा। लो अपना डी गियर लगा हुआ है यहाँ पे, अब 3 नंबर मैंने लगाया है। तो देखो जी, ये 3 नंबर गियर के अंदर भी ट्रैक्टर उठ गया है, 3 नंबर गियर के अंदर भी ट्रैक्टर उठ गया है बिल्कुल। देखो स्पीड पकड़ रहा है, कवर कर रहा है अपनी, मतलब ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा दम है जी। इसीलिए गियर प्रो सीरीज का नाम दम है, सीरीज है। बाकी इम्प्लीमेंट के लिए आप गियर जो मैंने आपको बताए हैं वो सबसे अच्छे गियर हैं, C2, C1। उसके अलावा B, अगर मैं B की बात करूं, तो B गियर के अंदर अगर मैं दूसरा गियर लगाता हूं, तो B के अंदर बहुत नॉर्मल सी स्पीड जो है इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है। क्योंकि पुराने 5310 के अंदर B2 के अंदर वो ट्रैक्टर चलता था, और यहाँ पर अगर आप B में चलाना चाहते हो, तो B3 के अंदर आपको ये इम्प्लीमेंट आपका ट्रैक्टर ये चला सकता है। तो ये है जी इसका मोटा मोटा जो रिव्यू मैंने आपको दिया है। बाकी जो ट्रैक्टर खरीदने की बात है, तो आप अपने नियर बाय जो भी जॉन डियर का डीलर है, आप उसके पास जाइए, आप उससे पूछिए भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको और क्या जानकारी जो भी आप लेना चाहते हो, जहां आप ट्रैक्टर का ट्रायल लेना चाहते हो, तो आप अपने नियर बाय डीलर से आप ले सकते हो।